नदियों के बढ़ते जलस्तर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा कि जनपद में दो नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई थी, लेकिन अब खतरे के निशान से नीचे आ गई हैं। जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने बताया कि नदियों के कटान तथा तटबंध के पास जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित जगह पर जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया तथा फूड पैकेट को भी इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा नाव को भी गाँव में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि मानसून पहले आने से जनपद में बाढ़ की आशंका कम रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा, हाँ देखिए, दो नदी प्रमुख नदी का जलस्तर तो बढ़ी है, चिंताजनक विषय है। वैसे फिर भी हम लोग तैयारी रखे हैं, नाव तो हर जगह लगी हुई है, राहत सामग्री के पैकेट इत्यादि तो तैयार रखे हैं हम लोग। उम्मीद करेंगे, अभी तो वैसे तो आज बारिश नहीं है, एक दो दिन बारिश नहीं होता तो फिर पानी घटने का उम्मीद रहेगा, बट अपस्ट्रीम में फिर भी बरसात है, इसलिए हम तो जो बाढ़ की स्थिति के हिसाब से ही प्लानिंग कर रखा है। हमारा पूरा टीम तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, कोई भी स्थिति ऐसे आबादी के अंदर पानी घुसने का होता है तो तुरंत हम लोग वहाँ से इवैक्यूएट करेंगे और सुरक्षित जगह ले जाएंगे, उसी का पूरा पुख्ता व्यवस्था है। जो आसपास के प्रभावित गाँव वाले हैं कहीं कि उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, आसपास गाँव वाले का मैं इतने अनुरोध करता हूँ, करीब हमेशा आप जानते हैं यहाँ 400-500 गाँव हमेशा बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। आपको नज़दीकी बाढ़ केंद्र के बारे में जानकारी रखिए, इमरजेंसी नंबर, वैसे यहाँ कलेक्ट्रेट का कंट्रोल रूम नंबर, जिला अस्पताल का नंबर, सारे नंबर ज़रूर याद रखिए, और जनपद का जो आपका आपके क्षेत्र का जो प्रधान है ग्राम स्तर अधिकारी से संपर्क में रहिएगा। किसी में भी किसी को भी तकलीफ़ है, मान लीजिए किसी को सांप काट दिया, किसी का राशन ज़रूरत है, किसी का जो जानवर का जो भूसा चाहिए, जो भी समस्या है, नाव चाहिए, सब वहाँ का लोकल जो स्थानीय लोग का पूरा जानकारी दे रखा है, उनको बस आप संपर्क में रहिएगा, उतने में आपको जो भी मसला है तुरंत हल हो जाएगा। बाकी कोई परेशानी है कभी भी हमें बात कर सकते हैं, हमसे फ़ोन लगा करके, कोई परेशानी तो हम हल करने के लिए भेजेंगे। हर जगह बाढ़ चौकी का है, बाढ़ राहत केंद्र है, दोनों चीज़ है हमारा। बाढ़ चौकी तो एक अलर्ट करके देख के रहते हैं ताकि बाढ़ चौकी में हमेशा जो स्थिति कैसी हो रही है, फिर बाढ़ राहत केंद्र में तो इसी टाइप का लोग का जो बाढ़ से प्रभावित लोग का रखाया जाता है, दोनों व्यवस्था हम लोग का है तैयारी।